आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के गांव एचवाड़ा डेंगर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 34 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 1800 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती होशियारी देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्रामवासियों की लॉकडाउन के चलते भी काफी मदद की गई है। ग्राम प्रधान श्रीमती होशियारी देवी और सचिव धीरेन्द्र सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के एचवाड़ा डिंगर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या लॉकडाउन के चलते यहाँ किस तरह से लोगों की मदद की गई है और आगे भी आने वाले समय में उनके क्या उद्देश्य यहाँ जो है उन्होंने अपनी योजना में शामिल किए हैं जनता को अपनी तरफ दोबारा से जो है मौका पाने के लिए, इस सब की जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से बात करके आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पति से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। जैसे कि 4-4.5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आपके कार्यकाल को, तो हम ये जानना चाहेंगे पहले तो कि इस पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या विकास कार्य गांव में आपके हुए हैं। शौचालय बनवाई हमने, सीसी टाइल बिछवाई है और स्कूलों में मरम्मत शौचालय बनवाए हैं। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? ना, आवास हमारे यहाँ जीरो, एक नहीं मिला। परिवार हैं ऐसे जिन्हें आवासों की जरूरत है? हाँ हाँ, कितने परिवार लगभग हैं? करीब 45-46 परिवार हैं जो कच्चे मकान में है। रास्ते सारे पक्के हो गए हैं या अभी भी कुछ कच्चे बाकी? ना साहब, एक रास्ता है आवाज तक जी। अब जैसे पेंशन वगैरह मिल रही है पता नहीं? हाँ, पेंशन मिल रही है। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इन सबका लाभ आपके गांव में सभी को मिलता है? सभी को मिला। किसानों उज्ज्वला के कनेक्शन, उज्ज्वला के हैं, गैस कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन, ये सब हो गए। किसानों के खाते में कितने परसेंट किसानों का लोग जो है लगभग सम्मान निधि का पैसा उनको मिल पा रहा है? ये तो काफी लोगों को मिल रहा है। कुछ की जो शिकायत रही है जैसे कि आधार कार्ड गलत हो गए, किसी खाते संख्या गलत है, उन्हें ना मिल रहे और बाकी सब मिल रहे हैं। लगभग सभी को मिल रहा है? सभी को मिल रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी आपके गाँव? साफ सफाई की व्यवस्था भी सही है, सफाई कर्मचारी आते हैं रेगुलर? हाँ, रोजाना जी। यहाँ जैसे सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा 12 घर, पंचायत घर, ये बने हुए गांव में? ये जर्जर स्थिति है इसकी, पंचायत घर की हमसे बहुत दिन पहले बना जी। हाँ, 1995 में जी। उसमें अब तक कोई भी मरम्मत या कोई भी मतलब जो है काम उसमें नहीं हुआ? हाँ, अब तक ना हुआ काम जी। शमशान घाट कब्रिस्तान ये है बने हुए? शमशान घाट का बनाया नहीं है जी। तो अंत्येष्टि स्थल के लिए कितना दूर यहाँ जो है जाना? यहाँ से करीब पड़ता होगा 200-250 मीटर के करीब जी। खेल का अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जी। मतलब सरकारी अस्पताल है या कोई स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, तो उसमें डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं? बैठते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। प्रधान जी, जैसे कि अभी 17 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से रहा है देश में, तो कई जगह जो है लोगों को काफी बड़ी बड़ी परेशानियों का जो है सामने संकट खड़ा हो गया, जैसे खाने पीने को लेकर के, काम को लेकर के। तो आपकी ग्राम पंचायत में भी ऐसे कई लोग रहे होंगे, कई परिवार रहे होंगे जिनके आगे परेशानियां आई होंगी, उसमें आपका क्या योगदान रहा, किस तरह से आपने लोगों को मुखिया होने के नाते? हाँ हाँ, हमने उन्हें पैसे दिलवाए सरकार से जी, हाँ, जो उन्हें कोई दिक्कत ना आए और खाना भी भिजवाया, मतलब खाना राशन वगैरह। अब अपने गांव को और ज्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से जी, एक तो हमने जो है अब जो आई हमारी निधि उसमें से रास्ता होगा और स्कूल चमकाएंगे जी, दो काम है। मतलब स्कूल में अभी कुछ काम? हाँ, ज्यादा काम ना होया, स्कूल में जो अब पैसा आएगा तो उससे स्कूल ही चमकेंगे जी। अभी स्कूल में आप सौंदर्यकरण का? हाँ, सौंदर्यकरण का काम करेंगे। हाँ, दो स्कूल पढ़ते हैं हमारी ग्राम पंचायत में, दोनों का सौंदर्यकरण का। और कोई समस्या ऐसी है गाँव में लोगों के सामने आती है जिससे कि आपको लगता है कि अगर सरकार यहाँ पर थोड़ा जो है मदद दे या ध्यान दे आपके ग्राम पंचायत की तरफ, तो उस समस्या को दूर किया जा सकता हो? ऐसा तो कोई हमारे यहाँ समस्या ना, सही चल जाए बाकी सब। यहाँ पर जो है किसी को कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, पानी पीने के लिए जो है मतलब सारी सुविधाएं हैं जी। अपने ग्रामवासियों से कुछ कहना चाहेंगे इस कोरोना महामारी को लेकर के और ये लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है इसको लेकर के, जैसे कि
कई जगह देखने को मिल रहा है, लोग असावधानियां बरत रहे हैं, भीड़ मिले इकट्ठे, ये सब हाँ ये तो हो रहा है। तो आप अपने सुझाव देता हूँ कि डिस्टेंस जो है दूरी बनाए कर रखो और अपना बाहर कम निकलो, एहतियात करो। सबसे तो यही महत्व है अपनी स्वयं खुद को एहतियात रखना। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते 4 सालों में काफी विकास यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास यहाँ एक भी परिवार को अभी तक नहीं मिला है, जबकि 45 परिवार लगभग यहाँ ऐसे हैं जो अभी भी कच्चे मकानों में हैं, जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल में सौंदर्यकरण का मिशन कायाकल्प के अंतर्गत कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है, जो आने वाले समय में यहाँ ग्राम प्रधान का मानना है कि वो पूरी तरह से पूरा कर दिया जाएगा। अगर समस्याओं की तरफ यहाँ नजर करें तो कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं, जैसे बारात घर यहाँ पर निर्मित नहीं है, पंचायत भवन जिसकी हालत बहुत ही जर्जर है, जो कई साल पहले का बना हुआ है, अभी तक उसमें कोई मरम्मत या किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा शमशान घाट भी जो यहाँ पर बना हुआ नहीं है, यहाँ पर जो है ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र में भी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी अगर सरकार मदद करे और धनराशि अच्छी मात्रा में यहाँ मुहैया कराए तो ये गाँव विकास की चरम सीमा पर पहुँचने के कगार पर है।